हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बेबी सूज लेकर के आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। और देखिए, इसका जो साइज है 0 से लेकर के आप इसको 3 महीने तक के बच्चे को बड़े आराम से आ जाएगा ये। और देखिए, देखने में जितना सुंदर दिखता है इसको बनाना भी उतना ही आसान है। और देखिए, हमने यहाँ पर एक सूज बना करके रखा है और दूसरा मैं आपके साथ ही बनाऊंगी। वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए हमने 2 प्लाई की ऊन ली है और 10 नंबर की सलाइयाँ ली हैं। और देखिए, इस पर हम सिंगल धागे से 15 फंदे डाल लेंगे। 15 फंदे हमने यहाँ पर डाले हैं और उसके बाद में देखिए, इस तरह से सलाइयों को हमें बनाना है। सीधी तरफ से भी हम सीधी सलाई बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी हम सीधी सलाई बनाएंगे। उल्टी तरफ से भी हम सीधी सिलाई बनाएंगे। साइड वाला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पर हम फिर से सीधी सिलाई बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमें देखिए, सीधी तरफ से भी सीधी और उल्टी तरफ से सीधी सिलाइयाँ बनाते हुए देखिए हमें कितनी बनाए। देखिए, जो धारियाँ हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्यारह धारियां जो है इस तरह से बन जानी चाहिए, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। अब देखिए, हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं तो अब हम यहाँ पर डिजाइन डालेंगे अपना। दूसरे कलर का जो धागा है इसको जोड़ लेंगे और देखिए, साइड वाला फिर फंदा उतार देंगे। धागे को पीछे ले जाएंगे, यहाँ पर भी हम सीधी ही सिलाई बनाएंगे, लेकिन देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब देखिए, साइड वाला फंदा इसको बिना बुने उतारना है डिजाइन के अनुसार। देखिए, उल्टी तरफ से आते तो यहां पर भी देखिए इस तरह से बनाएंगे ये साइड वाला फंदा, इसको हम सीधा बुनेंगे। और सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आते हैं, साइड वाला फंदा बिना बुने उतार लेंगे। अब जो अगली सिलाई है वो हमें इससे बनानी है। देखिए, तो आप इस पीछे तरफ से भी धागे को निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब हम 2 सिलाइयाँ सीधी बनाएंगे। इसको सीधी तरफ से सीधा बुनना है और उल्टी तरफ से उल्टा बुनना है। फिर से हम इसी तरह से सिलाई बनाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाई है। साइड वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे,
एक बिना बुने उतारेंगे। इसी तरह से बनाते हुए आपको ये 7 धारियां बनानी है, और उसके बाद में ये जो 11 बनाई हैं धारियां हमने, इनको बना लेना है। देखिए जिस तरह से हमने यहां पर बनाया, बिल्कुल उसी तरह से आगे को बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस डिजाइन को 7 बार यहां पर बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में देखिए ये वाला जो धागा है, इसको हम थोड़ा सा यहां से काट देंगे क्योंकि सिलने में काम आए। अब देखिए आगे की जो बुनाई है वो हम उसी तरह से करेंगे, यहां से यहां तक 11 लाइनें हैं। इस तरह की हमारी जो धारियां बनकर के आएंगी वो अब हम यहां पर बुन लेते हैं। सीधी तरफ से भी सीधी सिलाई और उल्टी तरफ से भी सीधी सिलाई बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे पास यहां पर इसी तरह से ये 11 लाइनें बन जाएंगी, तो देखिए सीधी सिलाई पर अब हम क्या करेंगे, सीधी सिलाई बना लेंगे और उल्टी तरफ से हम फंदे उतारेंगे। अब देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर अब हम सारे फंदों को उतार लेंगे, क्योंकि देखिए ये धागा जो है हमें यहाँ पर लेकर के आना है, इसी धागे से हम सिलाई करेंगे। तो दो दो फंदे इस तरह से लेते हुए दो का एक करेंगे, फिर इस फंदे को इस सिलाई पर करेंगे और फिर से दो का एक करेंगे। इसी तरह से हम जो 15 फंदे हमारे पास हैं, इन सभी फंदों को हम इसी तरह से घटा देंगे। सारे फंदों को घटाने के बाद देखिए धागे को इतना लंबा काटेंगे ताकि जो हमें सिलाई करनी है उसमें यूज हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से बनकर के आया है। अब देखिए सबसे पहले इस धागे को हम जो स्वेटर सिलने वाली सुई होती है उसमें डाल लेंगे। अब देखिए सुई में डालने के बाद में अब हम देखिए यहाँ पर जो किनारे वाले फंदे हैं, इन फंदों पर हम देखिए इस तरह से खींच करके यहाँ पर हम एक गांठ लगा देंगे। सारे फंदों को, इन फंदों को जिन पर हमने ये डिज़ाइन बनाया है, इन फंदों को हमें यहाँ पर बांध देना है। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर आप कोई मोती बटन पोंपम जो भी हो आपके पास वो आप लगा सकती हैं। और हमारे पास देखिए गोल्डन कलर का जो मोती है, गोल्डन में इसको हम लगा देंगे यहाँ पर। आपके पास जो भी हो बटन वगैरह कुछ भी, वो आप लगा सकती हैं। लगाने के बाद सीधी तरफ से और यहाँ पर अच्छी तरह से गांठ लगा दें। और देखिए ये जो ऊन है इसको हम इस तरह से धागे को कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में जो धागा हमने यहाँ पर ये उतारने के बाद में छोड़ा था, इसको हम सुई में डाल लेंगे। और देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक और देखिए यहाँ तक, और ये जो लाइन है ये बिल्कुल सामने होनी चाहिए डिज़ाइन की। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई कर लेते हैं।
इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इसको अभी हमने बनाया है और इसको हमने पहले से बना करके रखा है। देखिए दोनों को जो साइज है बिल्कुल एक ही तरह से है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे जो बेबी शूज है बनकर के तैयार हैं, बहुत ही प्यारे से बने हैं। फ्रेंड्स मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।